दोस्तों, नवाबी शॉक में आप लोग का फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप लोग ने कल का वीडियो देखा, मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोग को। दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है। जब मैंने कहा है शौकीन का वो मटेरियल है जो हम लोग ने, जो वो इंडिया छोड़ के चले गए हैं, इस वजह से उन्होंने सेल आउट कर दिया है, वही छोटू के पास है। तो आप ये मत समझिए कि आपको पतंग बेकार मिल रही है। अगर सस्ती मिल रही तो आप ये ना सोचिए बेकार मिल रही है। पतंगें बहुत अच्छी हैं, उसमें सब कुछ अच्छा है। वो रेट इसलिए ऐसा लगाया गया है दोस्तों, क्योंकि हम लोग को भी तुरंत ज़्यादा दिन मतलब रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया कि वो सारी पतंगे, सारे मंजे सब A1 क्वालिटी के बेस्ट हैं। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो की। तो आज का वीडियो जो है ये राशिद भाई के मंजे के ऊपर है। जैसे कि मैंने आप लोग को पिछली बार कलेक्शन दिखाया था, मैंने कहा था कि मैं एक ही डोर इसमें मिस कर रहा हूँ, वो है लच्छी डोर। तो लच्छी डोर आ गई है, चलिए आइए देखते हैं लच्छी डोर कैसी होती है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसी होती है और ओरिजिनल है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं वीडियो। तो दोस्तों, अनबॉक्सिंग करते हैं राशिद भाई का मंजा जो कि लच्छी का है। इन्होंने मेरे लिए स्पेशली भेजा है टेस्टिंग के लिए कि कैसा होता है ये मंजा। पैकिंग तो बहुत ज़बरदस्त करी है, कटा ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, हम फाड़ देंगे इसको। हम लोग पास कटर अच्छा नहीं है, इसलिए ये वहाँ नहीं है। ये निकली इसमें से खजाना। फोकस में आ ही नहीं रहा। तो दोस्तों, ये है राशिद खान शदाब खान का लच्छी डोर। देखिए, ये नाम राशिद खान, ठीक है दोस्तों। ये अगला थोड़ा सा बंद करो मत। तो दोस्तों, ये देखिए आर्टिकल 1, 2, 3 पे डोर बनी है, ठीक है। और पास से देखिए आप लोग, ठीक है, ये है इनकी लच्छी डोर। और अभी इतनी क्लियर नहीं है क्योंकि इसको अभी भी धूप दिखाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप ये देखिए, जो ये दिखाना जरा नीचे, ये देखिए कैसे निकलती चली जा रही है, ठीक है। ये बाकी बहुत महीन और स्मूथ डोर है, एकदम जिलानी मियाँ की तरह। ये डोर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत ही पतली डोर है। मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था कि राशिद भाई ऐसी डोर भेजेंगे, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इस डोर के लिए जूझ रहा हूँ। ये जिलानी मियाँ की जैसी ही डोर है बिल्कुल, ठीक है। बाकी प्राइस आपने वीडियो में देखा ही होगा राशिद भाई के लच्छी डोर का, शायद 2300 रुपये है, मुझे क्लियर आइडिया नहीं है। और मैंने ये तीन ही रील मंगाई है देखिए, क्योंकि मुझे आप लोग को रिव्यू देना था, इसलिए मैंने तीन ही रील मंगाई है। बहुत बेहतरीन ले, देखिए छल्ले, देखिए 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 चूड़ी बन गई इसके छल्ले की, देख रहे हैं। इसको अगर धूप दिखा देंगे तो इसमें भी थोड़ा सा बल खुल जाएगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं खुलेगा क्योंकि ये 1, 2, 3 डोर है, C28 नहीं है, लेकिन धूप दिखाने के बाद ये डोर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये है राशिद भाई की लच्छी डोर। जैसा कि उन्होंने मुझे, मैंने बोल के कहा था लच्छी डोर बनाइए, तो ये है राशिद भाई की लच्छी डोर। और जिनको नंबर नहीं मिला है वो नंबर ले लें। और क्वालिटी भी आप लोग चेक करेंगे इस मंजे की तो देख लीजिए, पास से मैं दिखा देता हूँ, बेहतरीन डोर है ये। अभी आई है, इसको मैंने धूप नहीं दिखाई है, तो आप मान के चलिए ये अभी आपको जो डोर दिख रही है 40% दिख रही है। जब इसको धूप दिखेगी ना तो ये अलग ही डोर कुछ निकलेगी, ठीक है। अभी ये बरसात की डोर है, इसलिए ऐसी है कि आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा जो भी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन डोर है, ठीक है। अब मैं आप लोग को दिखा दूँ कि लच्छी है कि नहीं है। लच्छी की देखिए दोस्तों पहचान क्या होती है, मैं आप लोग को दिखा दूँ।
ये जो धागा है ना, नॉर्मल डोरों में देखे होंगे आप, सफ़ेद धागा होता है, इसमें ये काला धागा है। ये काला धागा इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसको जो है पहले दो तीन हाथ सूता जाता है डोर को, उसके बाद ये गर्म पानी में उबाल दी जाती है और दूसरे दिन इसको फिर टांगा जाता है और फिर से सूता जाता है, समझ रहे? हाँ, तो इसकी ये होती है कि इसको फिर से सूता जाता है। और दोस्तों मैं इसकी पहचान के लिए इसीलिए आपसे बता रहा था कि जो इसकी पहचान है ना वो ये है कि पहली चीज़ तो ये चलिए बहुत सारे लोग ऐसे ही कर देते हैं, लेकिन जब मैंने डोर की क्वालिटी देखी है, ये देखिए आपको दिखाता हूँ, डोर की जब मैंने क्वालिटी देखी है तो अभी मैं आप लोग को जो बताऊंगा तो आप लोग शायद समझ जाओ अच्छे से। तो दोस्तों ये मैं दिखा रहा था आप लोग को डोर, इसकी खासियत मैं आप लोग को बता दूं जो मैंने इसको छू के एहसास किया है, ये डोर आपकी बहुत पतली डोर है। 1-2-3 जैसी डोर जो होती है, 1-2-3 जैसे आप छुओगे तो हल्की सी जो भी होती है उससे कम से कम, नहीं तो ये समझ लिए 30% कम है। और है आर्टिकल 1-2-3 पे ही लगी है, भी आर्टिकल 1-2-3। तो मेरे दोस्तों अगर आप लोगों को चाहिए हो तो ये डोर परचेज़ कर सकते हैं, इसकी कीमत है 2200 रुपये। अब इस पर ना आइएगा कि मैंने 3 रील का रेट बताया, मैंने 12 रील का रेट बताया है 2200 रुपये। मैंने 3 रील ली है, इसका मतलब ये नहीं कि 3 रील का रेट 2200 रुपये है, 2200 रुपये रेट है जो वो आपका 12 रील का रेट है, ठीक है? तो ये डोर है जो बाकी आप लोग पास से एक बार फिर से देख लो,